यार सबसे पहले तो रॉकिंग स्टार यश को हैप्पी बर्थडे अरहान एंटरटेनमेंट और हमारी फैमिली की तरफ से। यार यकीन नहीं हो रहा है, KGF चैप्टर 2 का टीज़र फाइनली रिलीज़ हो गया है। अब मज़े की बात यह है कि ये हमें 8 तारीख को देखने को मिलने वाला था, लेकिन ऐसा न्यूज़ है कि ये ट्रेलर लीक होने की वजह से मेकर्स लोगों ने इसको 7 तारीख को ही रिलीज़ कर दिया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरी बात है। लेकिन ये कन्फर्म है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जितना एक्साइटेड था इस टीज़र के लिए वो तो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और मैं ऑफिस में सुबह से लेकर अपने दोस्तों को शाम तक यही बोल रहा था कि भाई कल KGF चैप्टर 2 का टीज़र रिलीज़ होने वाला है, और अचानक मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि भाई उसका टीज़र आ चुका है, जब तक मुझे पता ही नहीं था कि टीज़र आया। और जैसे ही मैंने टीज़र देखा है यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एक ही चीज़ बोलूँगा कि पूरे 2 मिनट 16 सेकंड मेरी जो दिल की धड़कन थी वो एकदम तेज़ हो गई थी और हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, और समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मैं क्या फील करूँ। ये समझ लो कि मेरी लाइफ का सबसे ख़तरनाक एक्सपीरियंस था। और सोचो टीज़र इस लेवल का है तो पूरी की पूरी मूवी क्या होगी। और अभी जस्ट मैंने स्क्रीनशॉट मार के देखा है, आप देखो व्यूज़ कितने कम है और लाइक्स देखो, यानी कि पूरी तरह से यूट्यूब भी क्रैश हो गया। मतलब कि भूल जाओ, ये इंडियन हिस्ट्री में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली मूवी, इतना तो गारंटेड है। और सोचो टीज़र में हमें इस पूरी मूवी के हर कैरेक्टर को ऑलमोस्ट दिखाया है, चाहे वो रवीना टंडन हो, चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे वो श्रीनिधि शेट्टी हो, या रॉकिंग स्टार यश हो, सब लोगों का जो एक अपीयरेंस था बहुत ही फाड़ू था। और इस बार इतना समझ में आता है इस टीज़र को देखकर कि मूवी बहुत ही ग्रैंड लेवल की होने वाली है। क्योंकि टीज़र में अगर आप लोग देखोगे तो जो CGI वर्क हमको देखने को मिलेगा, जिस तरह से ड्रोन शॉट और जो चीज़ें बताई है टीज़र में, यार बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। स्टार्टिंग करें हम लोग रवीना टंडन के एंट्री से, अब वो पार्लियामेंट में एंट्री हो रही है उसकी, और जिस तरह से वो गुस्से में और जो एक एटीट्यूड में चल के आ रही है ना, बाप रे बाप, मतलब रवीना टंडन की मुझे लगता है कि अब तक का सबसे एक खतरनाक वाला ये रोल होने वाला है। लेकिन अगर संजू बाबा की बात करेंगे इस पूरे टीज़र में, तो सबसे पहला वो हमें आग में से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये एक इविल कैरेक्टर है, और इविल हमेशा आग में ही रहता है। एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम लोग कंपेयर करें, इनफैक्ट संजय दत्त ने खुद कहा था कि थैनोस जितना खतरनाक है, ये उस लेवल का कैरेक्टर होने वाला है। और थैनोस और रैग्नार लॉथब्रोक, इन दोनों को मिक्स करके ये कैरेक्टर बनाया है, जो कि अपने आप में बहुत ही गजब लग रहा है। फिलहाल तो संजू बाबा का सिर्फ बैक पोर्शन देखने को मिल रहा है, फ्रंट अभी वो टीज़र में नज़र नहीं आ रही, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये इतिहास रच देगी मूवी। मूवी के बाद संजू बाबा हमारे इंडिया के सबसे बड़े विलन कहलाएंगे मूवी में, रियल लाइफ में नहीं। और अगर फाइनली बात करेंगे रॉकिंग स्टार यश की, तो यार टीज़र में एक सीन है जहाँ पर वो मशीन गन लेके उस सामने जितनी भी पुलिस की गाड़ियों को जो उड़ा रहे, और जो अमाउंट है वहाँ पर साउंड चल रहा है, और उसके बाद जिस तरह से वो सिगरेट जला रहे, अरे मतलब यार वो सीन देखकर ऐसा लगता है कि वो पैसा वसूल, अगर मैं इसका 1000 रुपये भी पे करूँगा ना थिएटर में, तो वो 1000 रुपये भी वसूल है सिर्फ उस पर्टिकुलर सीन के लिए। हालांकि मुझे पता है कि इस तरीके के सीन्स हमें इस मूवी में बहुत सारे देखने को मिलने वाले, मतलब ऐसे ऐसे मूवमेंट्स देखने वाले जहाँ पर शो में बवाल मचने वाला है। फिलहाल तो सिर्फ मैं टीज़र देख के इतना एक्साइटेड हुआ, तो सोचो मूवी कितनी गजब की होगी। मैं आप लोगों से इतना चाहता हूँ कि यार आप अपना ओपिनियन शेयर करो कि आपको टीज़र कैसा लगा, और आप लोग KGF चैप्टर 2 मूवी के लिए कितना ज़्यादा वेट करो, ये सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना, बाय।